लासो टूल से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लासो टूल का शॉर्टकट एल है। अगर आप यहाँ जाएं और राइट क्लिक करें तो आप लासो टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। लासो टूल से आप सिलेक्शन लेने के लिए पहले क्लिक करें और माउस के को ड्रैग करते हुए एक सिलेक्शन बनाएं। जैसे ही आप स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाए तो अपना लेफ्ट क्लिक जो आपने होल्ड किया हुआ माउस पे उसे छोड़ें। छोड़ने बाद एक सिलेक्शन दिखाएगा। आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये इस निशान को करते हैं तो ये ऐड टू सिलेक्शन होता है। कर्सर पे आप देख सकते हैं कि एक प्लस का निशान आ गया। अब जो है आप इसके ज़रिए सिलेक्शन बनाएंगे तो इसमें ऐड ऑन होगी। अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कर्सर पर एक माइनस का निशान आ गया। इससे जो है आप किसी भी सिलेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा ले रखा है, मैं जो इसे जो है हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने सिलेक्शन ले लिया। लासो टूल की एक खामी है कि ये सर्कल्स सिलेक्शन लेने के लिए बढ़िया नहीं है। तीसरा चौथा है इंटरसेक्ट का। अगर आप एक सर्कल बनाते हैं सिलेक्शन से तो ये जो बीच का सेक्शन है सिर्फ उसे ही रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा। देख सकते हैं अब इनके कुछ शॉर्टकट हैं। शॉर्टकट के लिए अगर आप कंट्रोल डी दबाते हैं तो ये सबसे दोबारा से जो डी सेलेक्ट हो जाएगा, और आप अगर कंट्रोल जेड दबाते हैं तो ये आप इसे अंडू हो जाएगा। अंडू करने के बाद अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो ये ऐड का ऐड करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं कर्सर पे एक प्लस का निशान आ गया। अगर आप ऑल्ट दबाएंगे तो ये माइनस का साइन शो करेगा। इससे जो है आप किसी भी लेयर को माइनस कर सकते हैं सिलेक्शन लेयर पे। चौथा है इंटरसेक्ट का। अगर आप शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाएंगे तो देखेंगे आप एक कर्सर जो है एक एक्स के निशान में बन गया है, जो कि इंटरसेक्ट करने के लिए आप ये हेल्प करेगा। लैसो टूल पे अगर आप दोबारा जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे तो आपको पॉलीगोनल लैसो टूल मिलेगा। इसके जरिए जो है आप जब भी आप इसके जरिए जब भी आप लेफ्ट माउस पे तभी ये जो है सेलेक्ट करना शुरू करेगा। इसके जरिए भी जो आप हैं सिलेक्शन जो है ले सकते हैं। तीसरा है वो है मैग्नेटिक लैसो टूल। अगर आप इसे एक्टिवेट करते हैं, अगर आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है सिलेक्शन बनाना शुरू करेगा। ये तीनों लैसो टूल से सबसे बढ़िया टूल है सिलेक्शन लेने के लिए। जैसे यहाँ जाएंगे आप देखेंगे कर्सर पे एक राउंड शेप का शेप आ गई है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी वही है, इससे आप ऐड कर सकते हैं, इसे माइनस हो, इसे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको फैदर के बारे में बताऊँगा, फैदर करता क्या है। अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं, सिलेक्शन लेने के बाद जो है कंट्रोल चेंज दबाते हैं तो ये फोटोशॉप उसे एक नई लेयर पे ऐड ऑन कर देता है। मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ और जो इसका फैदर जो है 20 पिक्सल तक बढ़ा देता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद मैं कंट्रोल चेंज दबाता हूँ और मैं फिर बैकग्राउंड पे आता हूँ और इस बार जो है फैदर जो है 50 पिक्सल पे कर देता हूँ।
सिलेक्शन के बाद मैं कंट्रोल जे दबाता हूँ। अब जो है मैं लेयर को, बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देता हूँ और सब लेयर को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं लेयर वन को डालता हूँ। इसमें जो थी हमारी फैदर जो थी 10 पिक्सल की थी, तो आप इनके एजेस देख सकते हैं एकदम क्लीन है। अगर मैं इसे ऑफ करके लेयर टू को ऑन करता हूँ तो आप इसके एजेस अगर देखें तो आप देखोगे हल्के हल्के ये ट्रांसपेरेंसी शुरू हो गई है। इस लेयर टू के वक्त मैंने फैदर जो है 20 पिक्सल का रखा हुआ था। अगर मैं इसे ऑफ करके लेयर ऑन थ्री को ऑन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर जो है फैदर 50 पिक्सल पे रख के मैंने सिलेक्शन ली थी। फैदर का ऑप्शन का इस्तेमाल आप तब करें जब आपको ब्लर इफेक्ट देना हो सिलेक्शन लेने वक्त। अब जो है मैं इन सब लेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए आप डिलीट प्रेस करेंगे तो भी डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से क्लिक करके ग्रैब करते हुए डिलीट बॉक्स के ऊपर डालोगे तो भी ये लेयर्स डिलीट हो जाएंगी। इसका अगला ऑप्शन है NTLS। इससे जो होता है आप सिलेक्शन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ये एजिस को एक अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर देता है। अगर आप इसे ऑफ रखेंगे तो इतना स्मूथ टेक्सचर नहीं आएगा, इसलिए इसे आप इसे क्लिक ऑन ही रखें। विड्थ और कॉन्ट्रास्ट अपने हिसाब से एडजस्ट करें। जब आप जब भी आपको लगता है कि इमेज की पिक्सल या रेजोल्यूशन कम है तो इन विड्थ को कम ही रखें, विड्थ और कॉन्ट्रास्ट को बिल्कुल ही कम पे रखें। और आपको जब लगता है कि इमेजेस जो हैं हाई रेजोल्यूशन की है तब इन्हें आप मर्जी से खड़ा बता सकते हैं। फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि जब भी आप क्लिक करते हैं तो अगला पॉइंट कब आएगा। जितनी आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे उतनी जल्दी अगला पॉइंट आएगा। जैसे अगर मैं इसे थोड़ा 100 पर ले आता हूँ तो आप देखोगे कि जल्दी जल्दी जो है सिलेक्शन पॉइंट्स हैं जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। अगर मैं इसे कम करता हूँ तो आप देखोगे कि बहुत देर बाद एक सिलेक्शन पॉइंट आ रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आप जो है टैबलेट से भी, टैबलेट के लिए जो ऑप्शन यूज होता है, माउस में इसे ऑन करें ऑफ करें एक ही बात है।